हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हम कोरोनल इशू के बारे में बात करेंगे। कोरोनल इज़ अ मेडिसिन जिसको पतंजलि आयुर्वेद ने लॉन्च किया रिसेंटली, एंड दे क्लेम के 100% COVID-19 का ये इलाज है। तो जैसे अब हम थोड़ा रिकैप लें तो न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल टॉल क्लेम्स, जिसमें रामदेव ने जो कोविड मेडिसिन फ्लोट की थी उससे रिलेटेड वेरियस जो प्रोसेस से रिलेटेड एंड उसकी एफिकेसी वगैरह से रिलेटेड सवाल या निशान उठाए जा रहे थे। तो दैट इज़ वाई वील बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन डिटेल। तो हमारे फोकस एरियाज क्या क्या रहेंगे, जो स्कोप ऑफ हमारा डिस्कशन होगा, दैट इज़ पहले तो हम इस इशू के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कोरोनल जो मेडिसिन है उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या हैं, इंडिया में जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है वो कैसा है, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इन प्लेस जो चेक करते हैं कि मेडिसिन को अप्रूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, एंड उसके बाद जो नॉर्म्स हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के, ग्लोबली क्या प्रैक्टिस है जिसको फॉलो किया जाता है, एंड इससे रिलेटेड रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स, इनके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट वील बी स्टडिंग अबाउट द एथिक्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल जो पतंजलि आयुर्वेद है उनका कहना है कि उन्होंने एक जयपुर के हॉस्पिटल के साथ मिलकर लोगों पर टेस्ट किए, क्लिनिकल ट्रायल्स किए, लेकिन उनसे रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न्स हैं उन सब को क्या एड्रेस किया गया, तो इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। एंड मोर ओवर इसको थोड़ा हमारे GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कितना एथिकल है जो क्लिनिकल ट्रायल है। एंड फाइनली ग्लोबल एफर्ट्स क्या हो रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ वैक्सीन अगेंस्ट द COVID-19। अब हम थोड़ा इशू के ऊपर फोकस करते हैं कि जो कोरोनल मेडिसिन बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या आ गई, इतना ज़्यादा हो हल्ला मच क्यों गया। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो मेडिसिन लॉन्च करने के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पतंजलि आयुर्वेद ने ये क्लेम किया कि हमारी मेडिसिन 100% क्योर है अगेंस्ट COVID-19। बट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए बोला कि आप इस मेडिसिन की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रोक दीजिए फिलहाल के लिए। एंड इनफैक्ट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसका कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद ने अपने लाइसेंस में सिर्फ कफ एंड फीवर के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, एंड उसी का लाइसेंस मिला है इनको। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट का कोई मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट का कहना है कि जो कोरोना किट है जिसको पतंजलि ने लॉन्च किया है उसने ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया टू मेक द ड्रग। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले तो कोरोनल के कि किस बेसिस की ऐसा क्या डाला है पतंजलि ने जिसके तहत वो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मेडिसिन 100% क्योर कर देगी कोरोना वायरस को। तो इसमें है एक तो गिलोय की अगर हम प्रॉपर्टीज जाने तो गिलोय एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। तो कोरोना वायरस के केस में भी जब हम पढ़ते हैं तो मेजरली जो इन्फ्लेमेशन है उसी के चलते हुए जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन अ वे कुड बी कि पॉइंटर्स हों उस तरफ, लेकिन श्योर शॉट एक मेडिसिन डिक्लेयर कर देना दैट इज़ फार फेच्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें ब्लड को प्यूरीफाई करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है बॉडी की, एंड जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से वो रिमूव करता है। ऑल्सो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल कफ कोल्ड इन सबको टैकल करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें अश्वगंधा है जो कि एक अगेन एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का ही इसमें भरमार है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड इसमें एक नेचुरल कॉम्पोनेंट है विदनॉन जो कि नोवल कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। एंड मोरोवर इसमें जो डेडली डिजीजेस होते हैं इनके इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल उसको रिलीज कर देती है बॉडी, तो उनके लेवल्स को भी अश्वगंधा जो है वो रिड्यूस करता है। एंड अश्वगंधा में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि आपके मसल मास एंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती हैं बॉडी की। नेक्स्ट इसमें तुलसी है जिसको बेसिल बोला जाता है, तो ये अगेन एक न्यूट्रिशनल रिच फूड है या हर्ब है बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एंड इसमें क्या है, आयन, जिंक, विटामिन ए एंड सी एंड कैल्शियम, तो ये सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब प्रेजेंट है इसमें, एंड आपके जो मेंटल बैलेंस है उसको प्रमोट करता है। एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल कफ कोल्ड अस्थमा ब्रोंकाइटिस इन सब के अगेंस्ट बॉडी को प्रिपेयर करता है तुलसी। तो ये जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो पतंजलि है वो क्लेम कर रही है कि हमारी मेडिसिन क्योर कर देगी COVID-19 को। सो लेट अस नाउ सी कैसे कोरोनल एंड ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में तालमेल नहीं बैठा। तो दो हमारे पास मेजर एक्ट्स हैं जो ड्रग्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में काम करते हैं, एक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड दूसरा है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत द लेटर एक्ट, इसमें
फॉल्स क्लीम्स एंड फॉल्स इम्प्रेशन बाई हाइडिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ योर ड्रग, ये चीज़ पनिशेबल है। एंड इसी एक्ट के तहत ही बाबा रामदेव की कंपनी को बोला गया है कि आप एडवर्टाइजमेंट फिलहाल नहीं कर सकते जब तक कि पूरी जांच नहीं होती। इस एक्ट में ना सीरियस डिजीज़ कवर नहीं होते जैसे एड्स या एनसेफेलाइटिस, क्योंकि ये एक्ट थोड़ा पुराना है एंड जो डिजीज़ हैं ये कुछ पिछले 40 साल में ही ज़्यादातर मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो इसी वजह से ये कवर नहीं थे। लेकिन इसी साल फरवरी में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया था अमेंडिंग दिस 1954 एक्ट, जिसमें उन्होंने ये चीज़ का जो जायज़ा वो लिया था एंड अकॉर्डिंगली क्लॉज डाल दिए थे पहले ही। तो इसीलिए इसी एक्ट के तहत ही आयुष मिनिस्ट्री ने बाबा रामदेव की कंपनी को भेजा है एक नोटिस। मोर ओवर जो दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन है वो क्या है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल लिया गया था बाय पतंजलि वो था फॉर इंडिविजुअल मेडिसिंस, लेकिन जो उन्होंने कोरोना किट बनाई है जिसमें वो इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड कफ एंड ब्रेथलेसनेस की मेडिसिंस जो हैं वो डालकर दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल मेडिसिंस को इकट्ठा करके उन्होंने किट बना के दे दिया, बट उस ओवरऑल किट के जो क्लेम्स हैं उनको कहीं भी उन्होंने पहले उसका प्रमाण नहीं दिया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मेडिकल एंड बिजनेस एथिक्स को फ्लाउट किया है इस पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ने, ठीक है जी। इसके बाद अब अगर हम देखें कि जो ड्यू प्रोसेस है वो होना क्या चाहिए था, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी कंपनी कोई ड्रग बनाना चाहती है या जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो करना चाहती है तो वो पहले स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है बिफोर द ट्रायल। स्टेट गवर्नमेंट उसकी जो रिक्वेस्ट का अप्रूवल लेता है पहले स्टेट के क्लिनिकल ट्रायल कमेटी एंड एथिक्स कमेटी से। उसके बाद जब ये दो कमेटी अप्रूव कर देती हैं तो वापस जो रिक्वेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट फर्दर अब इसको आगे परमिशन लेने के लिए फॉरवर्ड कर देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। इनसे अप्रूवल मिलने के बाद ही जो ट्रायल है वो किया जा सकता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। तो इसी वजह से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के रूल 140 के तहत ही ये कंपलसरी है एक कंपनी के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ये सारी जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशंस हैं मिलने के बाद ही एडवर्टाइज़ करे। तो अब हुआ क्या कि क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमसे तो इन्होंने इंडिविजुअल मेडिसिन की परमिशन ली है, इम्यूनिटी बूस्टर्स की परमिशन ली है, वो भी कफ एंड जो फीवर से रिलेटेड है। तो इससे इसमें जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट या कोविड 19 के अगेंस्ट एक किट बना रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको ओवररन कर दिया गया, उसको फ्लाउट किया गया है, ठीक है जी। आगे अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अब क्या रोल है या क्या इसकी अहमियत है हमारे ड्रग्स इंडस्ट्री में, तो ये सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑफिस है ऑन ड्रग्स। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो ये एक अथॉरिटी है जो कि मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन सबको रेगुलेट करती हैं, एंड ये उसी तरह काम करता है जैसे FDA काम करता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस CDSCO में एक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नाम की बॉडी है या बोल सकते हैं एक सिविल सर्वेंट है जो रेगुलेट करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस को। तो CDSCO इज़ एन अथॉरिटी, इसमें एक पोस्ट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो इस सब पूरे चीज़ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एंड CDSCO के पास जो मेजर पावर्स हैं वो हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत। तो अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट CDSCO रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्ट के लिए एंड जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करने हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस ड्रग्स, उनकी क्वालिटी एट्सेट्रा, वो सभी CDSCO के तहत ही इन एक्ट्स के तहत CDSCO के पास है, ठीक है। फर्दर जो CDSCO है वो स्टेट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ सर्टन स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज जैसे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, IV फ्लूइड्स, वैक्सीन एंड सिरा। तो ये सभी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आती हैं आपके CDSCO के अप्रूवल के तहत, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि जो लॉज थे दोनों हमने ऑलरेडी थोड़े थोड़े डिस्कस कर लिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कैसे उल्लंघना की जा रही है एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 की कैसे उल्लंघना की। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर ये दो मेजर एक्ट्स हैं जो इस टाइम फोकस में हैं। अब ग्लोबली अगर हम देखें कि जो वैक्सीन है वो बनाई कैसे जाती है ना, तो एक नई वैक्सीन कैंडिडेट यानी अभी वो वैक्सीन बना नहीं ना, अभी तो वो
एक कैंडिडेट के तौर पर ही अपने जो प्रमाण है वो सिद्ध करेगा, तो इसीलिए उसको हम वैक्सीन कैंडिडेट बोल रहे हैं फिलहाल। तो उसको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है एंड उसके बाद जो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो आते हैं पिक्चर में, ठीक है। इसीलिए तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है इस पूरे प्रोसेस को, एंड जो चौथा स्टेज है वो है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पोस्ट मार्केटिंग डेटा, कि इसके बाद कितना वो जो ड्रग है या जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव रही, ठीक है। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये प्राइमरी स्टेज है। इसमें एनिमल्स जैसे माइस या मंकी के ऊपर जो वैक्सीन कैंडिडेट है उसको टेस्ट किया जाता है एंड उनका इम्यून रिस्पॉन्स जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका फेज़ वन, जिसमें क्या है 20 से 80 सब्जेक्ट्स के ऊपर वैक्सीन कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है, उनकी डोजेज, सेफ्टी एट्सेट्रा वो यहाँ पर चेक होती है एंड किस तरीके से वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है वो सब चीज़ों की एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फेज़ टू आता है, जिसमें अब हम जो ग्रुप है उसको बढ़ाते रहेंगे, तो इसमें कुछ 100 इंडिविजुअल के अराउंड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रखा जाता है एंड इनमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, एल्डरली एट्सेट्रा, इन सब के तहत ही जो डिवीजन होती है आपके सब्जेक्ट्स की एंड फिर उनके सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और डोज एट्सेट्रा उनके ऊपर टेस्ट करके देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर कितनी डोज सफिशिएंट रहेगी, एल्डरली के ऊपर कितनी डोज सफिशिएंट रहेगी। तो ये रहा आपका फेज़ टू। इसके बाद है फेज़ थ्री, जिसमें क्या है कि अब जो नंबर है वो 100 से 1000s ऑफ पीपल पर चला गया एंड इसमें जो प्लेसिबो एट्सेट्रा वो सब भी टेस्ट किए जाते हैं। तो प्लेसिबो का मतलब ये है कि उसमें आपको नहीं बताया गया, जैसे दो हमारे पास सेट ऑफ पीपल हैं, एक के ऊपर हम जो पूरी वैक्सीन डेवलप की जा रही है जिसको हम वैक्सीन कैंडिडेट बोल रहे हैं वो टेस्ट की जाती है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल सिमिलर एक विजिबली लुकिंग फिजिकल फीचर सेम होने वाली एक मेडिसिन दी जाती है, बट उसमें होता कुछ भी नहीं है। जो जिस हिसाब से अगर हम देखें कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके वैक्सीन कैंडिडेट में होंगे उसमें जो प्लेसिबो है उसमें कुछ भी नहीं होगा एंड इसे हम बस चेक कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से दवा काम कर रही है, ठीक है। एंड फाइनली आपकी अप्रूवल स्टेज है, जिसमें जो फेज़ थ्री के ट्रायल के बाद होती है, जिसमें रेगुलेटर से परमिशन लेने के बाद, रेगुलेटर से अप्रूवल लेने के बाद जो वैक्सीन है उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसेस था, लेकिन पतंजलि के केस में अभी हमने देखा कि ये जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया। फेज़ वन में जैसे हमने 20 से 80 के अराउंड सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की है फेज़ वन में, यहाँ पर तो पतंजलि ने तो एक हॉस्पिटल में कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे उन्हीं के ऊपर टेस्ट करके लॉन्च कर दी अपनी कोरोना किट, तो दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके बाद आपका ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है, ऑल दो जो हमने पहले अभी देखे तीन फेजेस वो है कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेस्टिंग, तो अब इन दीज डेस्परेट टाइम्स ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स नाम की एक नई जो चीज़ है वो आई पिक्चर में। तो वो क्या है, अंडर दिस द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बोथ द वैक्सीन एंड प्लेसिबो ग्रुप वो अपनी कंसेंट देते हैं कि हमें डेलिब्रेटली इन्फेक्शन से एक्सपोज करो। तो ओवरऑल होता क्या है कि जैसे आपने फेज़ थ्री तक टेस्टिंग की तो उसके बाद वैक्सीन लगा दी लोगों को एंड देन द पीपल वुड बी लेफ्ट कि आप जो नेचुरली उस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करें एंड फिर हम चेक करेंगे कि आपकी वैक्सीन से किस तरीके से जो क्योर है वो होना शुरू हुआ। बट ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में क्या है कि फेज़ थ्री की जो हमारा कन्वेंशनल फेज़ है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एंड इसमें क्या करते हैं कि वैक्सीन एंड प्लेसिबो ग्रुप डायरेक्टली उनको जो इन्फेक्शन है उसके उससे एक्सपोज कर देते हैं एंड फिर हम चेक करते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से काम कर रही है। तो टेक्निकली जो फेज़ थ्री के बाद टाइम लगना था नेचुरली लोगों को इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, हम डायरेक्टली उनको इन्फेक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर उस डिजीज़ कॉजिंग वायरस या बैक्टीरिया से, ठीक है जी। तो ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स एक नई एडिशन है इसमें, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे है अब एथिक्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कि कितना ज़्यादा मान लीजिए वैक्सीन हमने टेस्ट कर ली, सब्जेक्ट्स को रख लिया एंड उनके ऊपर जो वेरियस अलग अलग तरीके की डोजेस दे दे के एंड अलग अलग मेडिसिन की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमने जो मेडिसिन है वो बना ली, तो अब ये कितना ज़्यादा एथिकल है, कितना ज़्यादा ये सही है उन सब्जेक्ट्स के साथ, वो भी हमें उनके ऊपर भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो एथिक्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इट एंटेल्स एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ रिस्क। इंक्रीज्ड रिस्क कैसे है, जैसे जो लोग क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
टेक्निकली वो अपने खुद के लिए मेडिसिन नहीं बनवा रहे, दे आर डूइंग इट फॉर द ग्रेटर गुड, है ना। तो इसीलिए अब जो लेवल ऑफ रिस्क वो झेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कितनी डो, अभी तो क्योंकि वैक्सीन प्रॉपरली बनी नहीं है ना, उन्हीं के ऊपर टेस्ट होके बनेंगी, तो अभी तक जो प्रॉपर डोज है वो क्लियर नहीं है, एंड ना ही उसके इल इफ़ेक्ट्स क्लियर हैं, जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर क्या फाइनली उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो वो सब चीज़ें भी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए जो लेवल ऑफ रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है उन पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो अब इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, दैट इज़ अगेन एन एथिकल कंसर्न, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, पार्टिसिपेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इससे पहले अगर हम हिस्टोरिकल टाइम्स में थोड़ा चले जाएं, तो उसमें क्या होता था कि डायरेक्टली लोगों को बिना बताए ही जो मेडिसिन है उनके ऊपर टेस्ट करते रहते थे, एंड पीपल हैड नो आइडिया कि उनके ऊपर उनको सही मेडिसिन दी जा रही है या उनके ऊपर टेस्टिंग हो रही है। तो इसीलिए एट प्रेजेंट पार्टिसिपेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक मेजर एक डेवलपमेंट हुई है मेडिसिनल एथिक्स में, अगर हम देखें कि उनको बताया जाता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि आपके ऊपर हम इस तरीके के जो ड्रग्स हैं वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड उनके बाद उस चीज़ के बाद कि क्या इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनका भी थोड़ा आइडिया उनको दिया जाता है, एंड देन उनकी कंसेंट के बाद ही उनके ऊपर ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है। लेकिन अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में भी एक लूप होल है कि अभी तो जो ड्रग टेस्ट हो रहा है उसके बाद फाइनली क्या इल इफ़ेक्ट्स होंगे, अभी तो डॉक्टर को या जो रिसर्चर है उसको ही पता नहीं है ना। तो इसीलिए ये अब कितना ज़्यादा एथिकल है कि आप उनको पार्शली एक चीज़ तो बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास फुल नॉलेज अभी खुद ही नहीं है, तो कितना ये सही है कि एक ह्यूमन लाइफ को आप जेपर्डाइज कर सकते हैं ना। एंड द थर्ड थिंग इज़ थेरापेटिक मिसकंसेप्शन। मान लीजिए जो पार्टिसिपेंट है उनको लग रहा है कि हमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन दे के और हमारा अच्छा इलाज किया जा रहा है, ऑन द अदर एंड जो रिसर्चर है वो शायद सोच रहा हो कि किस तरीके से इस मेडिसिन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, कि इनकी डोजेज थोड़ी मैं और कम कर देता हूँ ताकि पता चले कि मिनिमम डोज से ही जो इलाज हो जाए। तो अब इस चक्कर में क्या होगा कि हो सकता है कि जो मिनिमम डोज रिसर्चर देने वाला है वो उतना ज़्यादा उसके ऊपर अफेक्ट ना करे पर्सन के ऊपर, तो पर्सन इज़ मिसकंसीव्ड कि उसको लग रहा है मेरा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हो सकता है कि दूसरे एंड पर वो सिर्फ उसको एक गिनी पिग की तरह उसके ऊपर सिर्फ डोज की टेस्टिंग की जा रही हो, है ना। द फोर्थ थिंग इज़ यूज़ ऑफ प्लेसिबो एंड डिसेप्शन। तो प्लेसिबो में जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया था कि प्लेसिबो में क्या है, आपको असली जो मेडिसिन है वो नहीं दी जा रही, एक बिल्कुल वैसी मिलती जुलती एक दवा दी जा रही है जो हो सकता है आपकी बॉडी पर कोई असर ही ना करे, वो बिल्कुल खाली हो, ठीक है। तो अब वो जो पर्सन अपने आप को लेकर आया है एज अ पार्टिसिपेंट कि मेरे ऊपर अच्छी मेडिसिन टेस्ट करके भाई लोगों का इलाज करो अच्छे से, आप उसको तो डिसीव ही कर रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे तो मेडिसिन ही नहीं दी जा रही। तो इसलिए प्लेसिबो और डिसेप्शन का ये काफ़ी गहरा तालमेल है, एंड कितना ज़्यादा ये सही है, अगेन दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेरियस एथिकल इश्यूज को टच कर रहे हैं। जो इसका डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये सारे जो इश्यूज हैं डिटेल में एक्सप्लेन है, एंड मोरओवर जो एथिकल कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस करना है हमें वो भी बताया हुआ है वहां पे, ठीक है जी। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां पर फिर हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। द फिफ्थ थिंग इज रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग एंड इक्विपॉज। अब रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मेजरली दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, एक है आपका प्लेसिबो ग्रुप, एक है आपका वैक्सीन वाला ग्रुप। तो पहली बात तो ये कि जो प्लेसिबो वाले हैं, मान लीजिए कि जो डिजीज़ है इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हो सकता है उनकी जान भी चली जाए, है ना, और उनको हम कोई मेडिसिन भी नहीं दे रहे क्योंकि प्लेसिबो इज़ एज गुड एज पानी का टीका, है ना। तो इसलिए वाटर इंजेक्शन में भी, तो जो रैंडमाइजेशन है इसमें क्या है कि आपने रैंडमली चूज़ कर लिया कि किनको क्या देना है, किनको क्या चीज़ देनी है ना। तो इसलिए एक प्रॉपर ये एथिकल तरीका तो नहीं था चीज़ काम को करने का। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हो सकता है एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर डोज दी जा रही हो, दूसरे ग्रुप को थोड़ी कम या ज़्यादा डोज दी जा रही हो, तो अब ना तो उनको पता है जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं कि किस तरीके से मुझे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कितना मैं ठीक हो जाऊँगा, जैसे डॉक्टर अश्योरेंस देते हैं हमें कितने टाइम में ठीक हो जाओगे भैया, ना तो उनको ये भी कुछ नहीं पता। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि एक और इसमें दिक्कत है, दो तरीके की मान लीजिए सर्जरीज हैं, एक है कि भाई एक बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर बोल रहा है कि भाई इसका तो हम मेडिसिन से इलाज कर देंगे, एंड दूसरे ग्रुप को बोला जा रहा है कि आपकी इन्वेजर सर्जरी होगी, आपकी बॉडी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डालने पड़ेंगे, है ना। तो अब ये तो
उनके हाथ में नहीं है जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ना तो उनको उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप इन्वेजिव सर्जरी करवाना चाहेंगे या फिर आप मेडिसिन ही ले लेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली द पर्सन वुड गो फॉर द ईजियर थिंग, बट अब क्योंकि रेंडमाइज है तो उनकी कंसेंट नहीं दी जा रही इस चीज़ के बारे में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इक्विपॉइस। इक्विपॉइस का मतलब क्या है कि जो डॉक्टर्स का ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए इन्वेजिव सर्जरी करनी चाहिए या फिर मेडिसिन की मेडिसिन के थ्रू ही इनका इलाज करें, ना। तो डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनली एक मान लीजिए एक कंसेंसस के तहत एक पर्टिकुलर टेक्निक को चूज़ कर लिया। अब जिनके ऊपर ये चीज़ होनी है, जो ट्रायल होना है, उनसे तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो इसीलिए इक्विपॉइज यानी आप ऑल्दो आपके डॉक्टर्स ने तो चूज़ करके एक कंसेंसस उन्होंने बना लिया, दे आर इक्विपॉइज्ड, लेकिन वो इक्विपॉइज क्या डॉक्टर्स का होना चाहिए या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका होना चाहिए, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड द लास्ट थिंग इज नेविगेटिंग बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स। तो जो तो आपके हैं डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हुआ कि आपने अच्छे लॉज बना दिए, उनका पूरा ख्याल रख लिया कि भाई जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो वहाँ पर जो मे बी पेशेंट है वो इन अ वे ओवर प्रोटेक्टेड भी हो सकता है कि मान लीजिए कि जो आपका प्रोसीजर है उसमें लिख दिया कि भाई इतने ml से ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जा सकती या इस सर्जरी को नहीं किया जा सकता। बट ऑन द अदर एंड जो आपका पेशेंट है या जो पार्टिसिपेंट है वो चाहता है कि भाई मेरे ऊपर कर लो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी कंसेंट है कर लो, तो वहाँ पर लॉ ऐसा बना दिया वो कर नहीं रहा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका पेशेंट ओवर प्रोटेक्टेड है। ऑन द अदर एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया में भी ये केस हुआ था कि 2011-12 के अराउंड की बात है कि यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी। यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे उनमें ऐसे ऐसे ड्रग्स को टेस्ट किया जा रहा था विच वर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, है ना। तो अब हो सकता है कि भाई जो वो जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे हैव डीप पॉकेट्स, तो जो गरीब देश हैं वहाँ पर लोगों के साथ एक्सेसेस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जहाँ पर एक पेशेंट को आपने ओवर प्रोटेक्ट कर दिया, दूसरे एंड पर किसी और दुनिया के कोने में वो एक्सप्लॉयट हो जा रहा है, उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिंस को टेस्ट किया जा रहा है, है ना। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि एक या तो यूनिवर्सल लॉ बनाया जाए कि ग्लोबल लेवल का लॉ हो, या फिर जो एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए कंट्रीज़ को themselves। तो दीज आर सम मैटर्स ऑफ कंसर्न, एथिकल कंसर्न, ठीक है जी। आगे अब फाइनली हम देखते हैं कि COVID-19 से रिलेटेड कौन कौन से ग्लोबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो तीन लीडिंग साइंटिफिक एफर्ट्स हो रहे हैं। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सॉलिडेरिटी ट्रायल, द सेकेंड वन इज़ UK's रिकवरी ट्रायल, एंड द थर्ड वन इज़ US's ऑपरेशन वॉप स्पीड, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वगैरह आए या आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि ये तीनों में से काफ़ी ज़्यादा होप है कि बहुत जल्द एक जो वैक्सीन है बनाई जाएगी इन द नियर फ्यूचर। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, जैसे एसए का कोर्स चल रहा है, मोर ओवर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, एंड देन वी हैव द PCM बैच हमारा, तो अगर आप इनमें से कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप www.stpclasses.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे PDFs भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, एंड PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।